हेलो एवरीवन, मैं मयंक दुबे वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। ये है वर्क की क्लास नंबर 2, मतलब पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आएगी, है ना। आपको ये टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप हमारा पार्ट 1 जाके देखेंगे, ओके। उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले चलिए आइए हम फोकस आउट करते हैं। अभी तक मैंने आपको पार्ट 1 में 31 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स को आप कैसे सेकंड्स में निकालें ये सिखाया था, है ना। 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालें, 2 से 3 सेकंड के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं वो सिखाया था। आज हम सीखेंगे 76 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को हम कैसे आसानी से निकाले। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए। कहां से? 1 to 30। देखिए 1 का किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको रेंज बता रहा हूं, आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तब आप आसानी से बाकी के स्क्वायर्स निकाल सकते। चलिए, आज पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने अपना सेंटर 50 को माना था, लेकिन जब हम बात करते हैं 76 से लेके 125 तक की, हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा 100, ओके। हमारा बेस क्या रहेगा? 100। इसमें क्या रहेगी? एक रेंज। हमारी रेंज 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगी, एक रहेगी 76 से 99 और एक होगी हमारी 101 से लेके 125, 101 से 125। इनके स्क्वायर्स को हमने 2 सेक्शन में बांटा है, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में भी हमने 2 सेक्शन में बांटा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपका इसमें भी सेंटर पॉइंट होगा एक, वो होगा 100। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका स्क्वायर निकालना 31 से लेकर 75 तक जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे भी ज्यादा इजी है, मतलब ये तो और पहले निकलना चाहिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब मैंने ले लिया, मान के चलिए पहली रेंज मेरी क्या ले ली, 76। चलिए 76 ही उठा लेते, चलिए 76 नहीं, पहले हम थोड़ा सा अलग देखते हैं, 90 की रेंज में देखते हैं, ओके। मैंने उठाया 94। मैंने क्या उठाया आपके लिए, देखिए 94, ठीक है, 94 लिया है। अब हमें यहां पर कुछ नहीं चेक करना है, हमें यहां पर ये देखना है ये 100 से कितना लेस है, कितना कम था 100 से, 6 कम था 100 से। तो हमने यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर जो नंबर जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं उसी से उसे माइनस कर देंगे। यहां भी सेक्शन ए होगा, जैसे 94 का ही निकालना था, 94 में से हमने वो डिफरेंस घटा दिया और 6 का ही स्क्वायर, 88, 36। अगर आप देखो 94 माइनस 6, मतलब जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे थे उसी से उतना अंतर हमने घटा दिया, तो हमारा 88 आया और वही स्क्वायर, स्क्वायर वाला हमारा सेम प्रोसीजर चल रहा है। चलिए एक और नंबर देख लेता हूं मैं, 97 ले लिया जैसे मान के चलो मैंने, अब 97 तो मैंने लेके रखा है, 97 100 से कितना कम था, 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 97 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर 94 और 3 का स्क्वायर हम 9 नहीं लिखेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आप स्क्वायर निकालो तो उसे 2 डिजिट में मेंटेन करना, चाहे वो 3 का हो, तो हमें एक को बगल में ए सेक्शन में जोड़ देते हैं जो भी पहला पार्ट होता है हमारा, बाकी के सेक्शन को बना लेते हैं। लेकिन यहां पर 3 का स्क्वायर करो आप कितना रहा, 9, हम उसे लिखेंगे 09। आपका जो बी सेक्शन है उसे 2 डिजिट में आपको मेंटेन करना है, तो आपका क्या आया 09 और ए सेक्शन कितना हो गया 94, तो आपका आंसर हो गया 9409। चलिए और देख लेते हैं एक हम, 91 कित, अब हम फास्ट देखेंगे 91 का निकालना था, 91 100 से कितना कम है, 9, 91 में से 9 गया 82, 9 का स्क्वायर 81 हो गया आपका। चलिए और फास्ट देख लेते हैं, 93 कितना कम है, 7, 86 स्क्वायर 49, मतलब सेक्शन ए निकला आपका, सेक्शन बी निकला, कैसे, ये 7 का स्क्वायर किया, ये 7 यहां से माइनस कर दिया 93 से, तो 86 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हम क्या देख रहे थे, 91 से लेके 99, क्यों, क्योंकि मैंने क्यों आपको नहीं बोला 76 से लेके 99, क्योंकि 76 से 89 में आपका डिफरेंस 10 से बड़ा आ जाता है, 9 से बड़ा आ जाता है, 11 हो जाता है, कितना हो जाता है 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, 13 हो जाता है, और 9, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर का आप देखो, 1 का तो 1 आएगा तो हम 01 कर देते थे, जब 9 तक के स्क्वायर का मैक्सिमम 2 डिजिट में आंसर आता है,
मैक्सिमम कितना आता है, 2 डिजिट में, लेकिन जैसे ही हमारा डिफरेंस 11 होता है तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसके डिजिट कितनी हो जाती है, 3, जैसे 11 का देखो आप 1 to 1, इसलिए थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज आता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था वही यहां फॉलो होने वाला है। चल मैंने ले लिया 87, मैंने क्या ले लिया 87, 87 100 से कितना कम है, अगर देखे तो -13 है, कितना कम है, 13 कम है, तो 87 में से आप कितना घटा दोगे, 87 से आप कितना माइनस कर दोगे, 13, और 13 का स्क्वायर 74169। लेकिन जो हमारा बी सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया 2 डिजिट में होना चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट तो आप अपने पास रख लोगे, और जो ये आपका 1 है कहां जुड़ जाएगा, यहां पर 75 और 69। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, देखिए अब मैं आपको फोकस आउट करने को कहूंगा आपकी किस चीज पे, देखिए हम क्या फोकस करें, 83 है, 17 कम करिए किस में से, 83 में से, कितना आएगा 66, 17 का स्क्वायर 289, लेकिन हमारा बी सेक्शन कितने डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट, लास्ट की 2 रख लो, इसे यहां जोड़ दो, और इससे इजी क्या हो सकता है आप ही बताइए, कितना आसान था, हम फिर से देखते हैं, मैंने ले लिया 79 है ना, मैंने ले लिया 79, बशर्ते आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर से याद होने चाहिए तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो, 79 कितना डिफरेंस था, 21, 79 में से 21 गया कितना बचेगा, 58, आपको क्या निकालना था इसका स्क्वायर, 58, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये 4 यहां जुड़ गया 6241 आपका आंसर, क्यों, क्योंकि आपका जो सेक्शन बी है वो कैसे मेंटेन करते हो आप ऐसे, और प्लस ए होके आपका कौन सा बनेगा सेक्शन ए, आपका क्या होगा 6241 है ना। देखिए मैंने आपको हर तरह के इसमें रेंज बता दी है ना, अगर 100 से कम है तो कैसे करेंगे, चलिए अगर 100 से ज्यादा होगी वैल्यू, मतलब 101 से 126 125 है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले मैं क्या लूंगा आपको 101 से लेके 109, आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि यहां डिफरेंस में 9 तक का देख रहा हूं, फिर उसके बाद जब 11 12 13 डिफरेंस आता है वो हम अलग देखें, 101 से 109, तो चलिए 104 का मैंने स्क्वायर ले लिया, 104 100 से कितना ज्यादा है, अगर आप देखो तो 100 में प्लस 4 करने पे 104 आता है, तो 104 में ही 4 जोड़ दोगे आप, मतलब सेम डिजिट में, अभी तक मैं जब आपको सिखा रहा हूं इसमें सेम डिजिट में ही आपको जो उनका अंतर है डिफरेंस है वो जोड़ देना है और स्क्वायर कर देना है बी सेक्शन के लिए, बी सेक्शन 4 था डिफरेंस, 4 का 108 16, क्या हो गया आपका 108 16। चलिए एक और देख लेते हैं, 108 मैंने क्या लिखा आपका, 108 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना, 108 का क्या करना है स्क्वायर करना है 108 का, ये 8 है कितना ज्यादा है 100 से, प्लस 8 है, तो 108 में आप 8 जोड़ो 116, 8 का स्क्वायर 64, आपका आंसर आपके सामने, देखिए एग्जाम में और आसान हो जाएगा, 103 कितना ज्यादा है 3, 106 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हम बी सेक्शन कितने डिजिट का बनाते हैं 2 डिजिट का, तो 09। चलिए ये तो क्या था 101 से लेके 109 तक, अब हम देखते हैं 111 से लेके 125 तक, 111 से लेके 125 तक, अब 111 जो आपका है वो 100 से कितना ज्यादा है 11, 100 से कितना ज्यादा है 11, तब जाके आपका क्या बनता है 111, तो आपको कुछ नहीं करना सेम चीज ही करनी, 111 में 11 जोड़ दीजिए, ठीक है 11 का स्क्वायर 121, तो आपका 122 तो हो गया, यहां पर 122 में ये एक और प्लस हो जाएगा जाके, ये क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सेक्शन बी है मैं हमेशा बोलते आया हूं कितने डिजिट का बनाओगे आप 2 डिजिट का, तो आपका ये जो 121 में से जो फ्रंट वाला एक है जो 100th नंबर है जो आपका सैकड़े पे आता है उसे आप कहां जोड़ दोगे ए सेक्शन में, जो ए सेक्शन आपका होगा, ठीक है 111 प्लस 11 122 और एक 123, और आपका कितना है आपका आंसर क्या हो गया 123। चलिए आइए आप इसको डायरेक्ट देखते हैं, 111 तो मैंने अभी ले लिया था, अब मैं ले लेता हूं 117, क्या ले लिया मैंने यहां पर 117, 117 100 से कितना जा रहा 17, 117 में ही 17 जोड़ो आप 134, ठीक है ये तो सेक्शन ए आ गया आपका, अब 17 का स्क्वायर 289, तो इसमें सेक्शन बी आपका ये हो गया लास्ट के 2 अंक है ना, और ये 2 कहां जुड़ गया यहां 136 89,
अब हम एग्जाम में इसे और तेजी से कैसे करेंगे, मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हर चीज मेंशन कर रहा हूँ आपको, दो ये आप कैसे करोगे और तेजी से, आपकी जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने जैसे लिखा कोई भी नंबर लिख ले लो, 119, इसका क्या निकालना था आपको, स्क्वायर 119 का। जब आप स्क्वायर निकालने जा रहे हो, कितना ज्यादा था ये 100 से 19, 119 में 19 जोड़ो 138। अब 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361, मतलब प्लस 3 इसमें हो जाएगा और 61, मतलब 141, 61। अब आपको आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे हमको आसानी से निकालना है 75 से लेके 76 से लेके 125 तक के स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।